हेलो स्टूडेंट, आज इस हम लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ वाला, क्योंकि लास्ट वीडियो जो था हमारा उसमें हमने फोर्थ तक कंप्लीट किया है। ठीक, अब इसमें हम फिफ्थ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन को हम दोनों दो तरीके सॉल्व किया जा सकता है इसको। एक तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा जो रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन जो मेथड है अपनी। ठीक है, तो पहले हम डायरेक्ट देख लेते हैं, जो आपको इजी लगे उसे सॉल्व करिएगा, मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। तो समझिए इसे, फिफ्थ क्वेश्चन, 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। सॉल्यूशन में लिख रहा हूं इसका, सॉल्यूशन 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपको, इधर 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट लगाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं और वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो यहां पे मैं वाई को एलिमिनेट कर रहा हूं ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ वाई। वाई को हम यहां से एलिमिनेट कर रहे हैं, वाई के कोफिशिएंट को इक्वेट करके उसको एलिमिनेट करेंगे। तो ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप क्या करोगे, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 7 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में, 2 का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। इसमें हम मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, 7 का, और फिर 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 2 का, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49x इधर माइनस 14y, और ये हो जाएगा आपका 35xy। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करो आप, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये आपका 16x इधर 14y, और ये कितना हो जाएगा 30xy। अब वेरिएबल इक्वेट हो गए, अब एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेट करेंगे तो y से y क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। इधर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस साइन वाले हैं, तो ये हो जाएगा 65x। इधर सॉल्व किया तो कितना, ये भी सेम 65xy। अब x से x तो क्या हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल हुआ, तो 65 इक्वल टू 65y। दिस इंप्लाय y इज इक्वल टू 65 अपॉन 65। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। दैट मींस y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। अब y 1 आ गया तो हम x फाइंड करना है, तो हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड में। तो पुट करता हूं मैं यहां पे, ऑन पुटिंग putting value of y in equation first. तो first ये रही आपके 7x minus 2y equal to 5xy। y की place पे आपको 1 put करना है, तो y की place पे 1 put करोगे तो 7x minus 2 into 1 equal to 5x into 1। ठीक है, हो जाएगा 7x, इसको इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 5x, और 2 इंटू 1 2 होगा, 2 राइट में चला जाएगा तो 2। ठीक, अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना हो गया ये 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 आपका 7 माइनस 5 कितना 2x, 2x इक्वल टू 2। तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, कैंसिल 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1। यहाँ पे y भी 1 और x भी 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है, डायरेक्ट हमने किया, इसमें कुछ भी हमें रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन जैसा कुछ नहीं रहा कि हमने रिड्यूस किया, यानी किसी को कुछ पुट किया। जैसे
आपको एक्स वाई में इक्वेशन दी थी तो एक्स वाई को हमने यू भी सपोज किया, तो ऐसा हमने नहीं किया इसमें, ठीक है। तो अब हम इसकी सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं, क्योंकि बुक्स में आपको दिखेगा यू भी या पी क्यू या ए बी में सपोज करके सॉल्व करना, तो उसको भी हम करते हैं। तो इसे नोट डाउन करिए आप, चलिए इसका और वाला मेथड देख लेते हैं, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन में फिर कैसे इसे सॉल्व करेंगे। वो तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था, ठीक है, तो वो भी पूरा सही है। अब ये भी आप समझ लो जो आपको इजी लगे आप सॉल्व करना, ठीक। तो यहाँ पे फिर से वही इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन की बने। अब क्या करता हूं मैं इसे सॉल्यूशन, हम इसे इस एलसीएस को सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट कैसे, इन दोनों के लिए डिनोमिनेटर में है ये, तो क्या हो जाएगा ये 7x अपॉन एक्स वाई इक्वल टू माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। अब देखिए न्यूमरेटर में x कैंसिल और y से y कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 7y, 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, 1 अपॉन y और 1 अपॉन x है, ठीक है, तो कुछ पुट कर लेते हैं इसमें। पुट करना यानी पुट, 1 अपॉन x को u पुट करते हैं और 1 अपॉन y को v, जो हम u भी पुट करते हैं या pq भी पुट कर सकते हो आप v, तो क्या हो जाएगा ये 7 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन y v बन जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 7 v माइनस 2u इक्वल टू 5, ठीक। इसको इक्वेशन हम नाम दे देते हैं थर्ड। सिमिलरली ये देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15, x टू x कैंसिल, y से y कैंसिल, ये हो जाएगा 8y, 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। ये 1 अपॉन x को u पुट करना है, 1 अपॉन y को v पुट करना है, तो क्या हो जाएगा ये 8 v प्लस 7 u इक्वल टू 15, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब फिर काम तो वही करना है हमें, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है u v के लिए, तो हम सॉल्व कर लेते हैं u v के लिए। जब u v आ जाएगा तो उसकी जो रिवर्स वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई, यानी uv आएगा तो uv की जो रिवर्स वैल्यू होगी वो एक्स वाई होगा। तो पहले uv तो कैलकुलेट करें, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ये फोर्थ इक्वेशन है, थर्ड और ये फोर्थ, 3 एंड 4, तो थर्ड इक्वेशन आपकी 7 7v माइनस 2u इक्वल टू 5 एंड 8v प्लस 7u इक्वल टू 15। अब ये इक्वेशन है हमारी, इनमें क्या करते हैं फिर से हम, या तो u का कोफिशिएंट को एलिमिनेट करें या v के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करें। तो हम क्या करते हैं, u के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 7 का, इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, तो फिर से इक्वेशन देखिए वैसी बन जाएगी 49v माइनस 14u इक्वल टू 35, इधर मल्टीप्लाई करें 16v प्लस 14u इक्वल टू 30। अब इसे सॉल्व कर ले, ये माइनस प्लस तो फिर से ये कैंसिल हो गया एज इट इज, जैसे उसमें कैंसिल हुआ था, ठीक। अब यहां पे ऐड करोगे तो कितना 65v इक्वल टू 65, तो v इज इक्वल टू 65 अपॉन 65, कितना हो जाएगा 1, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। पुट इन इक्वेशन 3 या 4, जो इक्वेशन इजी है क्योंकि हमें u v कैलकुलेट करना था अभी, तो जब u v आएगा तो हम x y कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी v की वैल्यू 1 आ गई। अब u देख लेते हैं, तो u के लिए पुट कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन में, तो थर्ड इक्वेशन ये है आपकी, तो थर्ड इक्वेशन में पुट किया आपने v की वैल्यू 1, तो ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 इंटू 1 माइनस 2u इक्वल टू 5, 2u को उधर शिफ्ट कर दो तो 7 माइनस 5 इक्वल टू 2u, सॉल्व किया तो कितना 2 इक्वल टू 2u, ये कैंसिल,
या 2 से 2 डिवाइड में लॉग, तो यहाँ पे यू की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 1 आ गई। अब यू भी आ गया तो एक्स वाई भी आ जाएगा, तो नाउ क्या लिखा था 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू, तो यू कितना है 1 है, 1 को हम 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करना है यानी x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी 1 ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे तो भी क्या होगा 1 अपॉन 1 ही है। ठीक, तो इसको रेसिप्रोकल किया तो RHS को भी रेसिप्रोकल कर दो, x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। सिमिलरली 1 अपॉन y इक्वल टू v, v की सेम वैल्यू 1, तो 1 को मैं फिर से लिख देता हूँ 1 अपॉन 1। अब हमें y कैलकुलेट करना है तो इसको रेसिप्रोकल करो तो ये भी क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, तो इंटरचेंज तो होना नहीं है कुछ भी, ये क्या 1 का 1 ही रहेगा। ठीक, तो x वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई, तो हमें वही सॉल्व करना था। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस घुमा फिरा के वहीं पे हम वापस आ गए। ठीक है, उसमें और भी हमें नए नए वेरिएबल सपोज करने पड़े, यू भी कोई करता है, कोई पीक्यू करता है, कोई एबी से सॉल्व कर लेता है। ठीक, तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हो, डायरेक्ट इजी है एज कंपेयर टू सपोज एनीथिंग। ठीक, तो आप डायरेक्ट से सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं, है ना। तो 6 वाई क्वेश्चन सेम वैसा ही है, अगर मैं 6 वाई को इसके डिवाइड में लाऊं तो फिर ये जो 5th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वैसे ही बन जाएगा, 6x plus 3y upon xy equal to 6। इसको इसके डिनोमिनेटर में लाया जाए तो 2x plus 4y upon xy equal to 5, यानी 5th क्वेश्चन जैसा पूरा सेम है, इसने पहले से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको डायरेक्ट से ही। तो सॉल्यूशन, इसे फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया, ये सेकंड, तो क्या करते हैं हम, या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं या y के कोएफिशिएंट को, तो x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। समझिए, बहुत इजी है इक्वेट करना, क्या है ये 6 अपॉन 2, सिंपलीफाई कर लो, ये 3 और ये 1, तो सेकंड इक्वेशन में क्या कर रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई, तो इक्वेट हो जाएगा। ये बता चुका मैं ऑलरेडी ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, किसे मल्टीप्लाई करें 1 इक्वेशन को, 1 इक्वेशन को 1 से, एंड इक्वेशन 1 बाय 1 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, है ना। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 1 का, और इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 3 का, इक्वेशन इंप्रूव्ड होके जो बनी है आपकी, ये होगी 6x प्लस 3y 6xy, ये हो जाएगा 6x 12y इक्वल टू 15xy। अब साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल, 3 माइनस 12 तो 3 माइनस 12 माइनस 9y। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा 6 माइनस 15, ये भी हो जाएगा माइनस 9xy, यहां से माइनस 9 से माइनस 9 कैंसिल, तो y से y भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू x, है ना भाई। देखिए माइनस 9 से माइनस 9 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो x के लिए क्या इधर तो कुछ बचेगा ही नहीं, 1 ही बचेगा, एक एक से सॉल्व कर देता हूं, माइनस 9y इक्वल टू माइनस 9xy, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या बचा y इज इक्वल टू xy, अब y से y भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और ये x। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या आ गई 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या आपकी, यहाँ पे बहुत ईजी इक्वेशन है, तो रखिए इसमें इसकी वैल्यू,
putting value of x in equation first, तो ये हो गया 6 into 1 plus 3y equal to 6 into 1 into y, 1 into y, तो कितना हो जाएगा ये 6 plus 3y equal to 6y, इसको उधर shift कर दो, तो 6y minus 3y equal to 6, तो ये हो जाएगा 3y equal to 6, तो y is equal to कितना हो जाएगा ये 2, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, है ना, ये 2, ठीक, तो this imply x की वैल्यू 1 हो गई और y क्या हो गया, therefore लिख सकते, therefore x is equal to 1 and y is equal to 2, ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्व करिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक, और अगर हम इसे क्या करते हैं, रिड्यूसिबल से सपोज करके सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा लेंथी होगा, तो ये डायरेक्ट भी पूरा सही है, तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए, चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, तो सेवेंथ क्वेश्चन भी सेम थोड़ा सा, इसमें देखिए हमें रिड्यूसिबल से सॉल्व करना पड़ेगा, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, यानी हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा, ठीक, ये डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं सपोज करके, डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए, तो सॉल्यूशन पुट प्रॉब्लम क्या, 1 अपॉन x plus y, तो 1 अपॉन x plus y है, इसको हमने u पुट कर दिया, u भी चल रहा है ना, आप pq भी पुट कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे पुट किया जा सकता है यहां पे ना, तो हम u भी लेके चल रहे हैं यहां पे, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x minus y equal to v, तो हमारी इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगी, 10 u plus 2 v equal to 4, ये इक्वेशन 3 बन गई, और यहां पे हो जाएगा 15 u माइनस 5 भी, ठीक, माइनस 2, इक्वेशन 4, ये यू वी में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, अब हम क्या करते हैं, या तो हम यू के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं या वी के कोएफिशिएंट को, तो हम वी को इक्वेट कर लेते हैं, वी इजी है, तो समझिए यहां पे ऑन इक्वेटिंग ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय y को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से एंड इक्वेशन 2 बाय किससे 2 को किससे मल्टीप्लाई 2 से है ना इस फर्स्ट की थर्ड इक्वेशन का जो भी आपका कोएफिशिएंट v का कोएफिशिएंट 2 है उसका फोर्थ में मल्टीप्लाई और फोर्थ में v का कोएफिशिएंट 5 है तो इसका थर्ड में मल्टीप्लाई अच्छा यहां पे 1 2 लिख दिया क्या तो यहां पे रहेगा भाई आपका 3 और यहां पे क्या होगा आपका 4 3 4 है ना यानी थर्ड में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 5 का और फोर्थ में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 का तो यहां पे देखिए क्या चेंज हो गया हमारा 10 u plus 2 v is equal to 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 15u माइनस 5v इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 5 10 जा 50 कितना हो जाएगा ये 10v और ये 20 इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया तो ये हो जाएगा आपका 30u माइनस 10v इक्वल टू माइनस 4 साइन चेंज इससे ये कैंसिल हो गया v से भी अब ये क्या हो जाएगा टोटल ऐड हो जाएगा तो ऐड कर देते हैं तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80u इक्वल टू 80u इक्वल टू माइनस करें 16 तो u की वैल्यू 16 अपॉन 80 सिंपलीफाई करो 1 अपॉन 5 u की वैल्यू क्या होगी 1 बाय 5 तो दिस इंप्लाई u इज इक्वल टू 1 बाय 5 अब u की जो वैल्यू है 1 बाय 5 उसको हम पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में तो 3 4 में पुट करते हैं इसको
putting value of u, putting value of u in equation 3, 3 में put करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 into 1 by 5 plus 2v equal to 4, ये cancel हो गया, कितना हो गया 2, 5 2 जा 10, तो 2v equal to 4 minus 2, ये 2 क्या होगा 4 में minus हो जाएगा, तो this imply 2v equal to 2, तो v की value भी क्या आ गई हमारे यहाँ पे 1, v 1 आ गया और u की value 1 by 5 आ गया, लेकिन हमें u भी तो बिल्कुल calculate नहीं करना था, हमें क्या calculate करना था, हमें x और y calculate करना था, तो x y के लिए solve करते हैं, now ठीक है, 1 upon x plus y किसके equal, u के equal, और 1 upon x minus y v के equal, तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 upon x plus y equal to u, तो u कितना 1 by 5, reciprocal करते हैं हम इसको, तो x plus y equal to 5, तो ये आपका हो गया x plus y equal to 5, अब यहाँ से देखिए आप, ये हो जाएगा आपका 1 upon x minus y equal to v है, तो v की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं 1, तो ये 1 हो गया, तो 1 को भी लिख सकते हैं 1 upon 1, तो फिर से भी reciprocal कर देते हैं, 1 upon x minus y reciprocal करेंगे तो ये हो जाएगा x minus y equal to 1, अब हमें क्या u भी तो कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है हमें x और y की वैल्यू, तो इसके बाद ये स्टेप और आगे चलेगी, तो देखिए इसे, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन, तो therefore x plus y equal to 5 and x minus y equal to 1, इसे सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड जो आपकी है उससे, तो y से y कैंसिल, 2x is equal to 6, तो x की वैल्यू क्या होगी 6 upon 2, that is 3, तो x की वैल्यू हो गई 3, इसको नाम दे दिया मैंने 5 and 6, put in equation 5, 5 equation में हमने x की वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा x plus y equal to 5, x की वैल्यू 3, तो 3 plus y equal to 5, तो y आ जाएगा यहाँ पे, y is equal to 2, 3 minus हो जाएगा, तो therefore x is equal to 3 and y is equal to 2, ये इसका आंसर हो जाएगा, तो ठीक है, ये रिड्यूसिबल से सॉल्व होगी, तो इसलिए हमने इसको रिड्यूसिबल से देख लिया, तो इसे नोट डाउन करिए, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन समझते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, तो इसको हम यूवी में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले देखिए क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, पुट 1 अपॉन 3x प्लस y को u पुट किया, 1 अपॉन 3x माइनस y को v पुट किया, इसको हम फर्स्ट और सेकेंड कंसिडर कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन किस टाइप से कन्वर्ट होगी, तो पहली इक्वेशन तो डायरेक्ट दिख ही रही है, ये पूरा u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, तो ये हो गया u प्लस v इक्वल टू 3 बाय 4, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इधर दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, तो 4u 4v इक्वल टू 3, ये इक्वेशन हमने थर्ड सपोज कर लिया, अगेन इसमें भी वही सेम, तो 1 अपॉन 2 u हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो गया 2 u माइनस v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8, ये 2 4 तो क्या हो गया, ये 4 का मल्टीप्लाई 4u माइनस 4v इक्वल टू माइनस 1, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन, थर्ड और ये फोर्थ,
नाउ अब हमें क्या करना है, यूवी की वैल्यू फाइंड करना है बाय एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने का क्वेश्चन वो भी इजी है, और कोफिशिएंट भी इक्वेट नहीं करना कि देखो यहाँ पे 4 4 है, इधर भी 4 4 है, तो डायरेक्ट क्या केवल प्लस माइनस करना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ यू एंड वी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से यूवी की वैल्यू फाइंड करना है, तो करते हैं, इजी है बहुत। तो थर्ड वाली इक्वेशन जो है हमारी, ये रही 4u + 4v = 3, 4u - 4v = -1। नाउ प्लस माइनस कर लीजिए, अब यहां पे प्लस माइनस करेंगे तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, ठीक है। तो ये प्लस प्लस दोनों प्लस हो रहे हैं, तो कितना प्लस है, तो प्लस प्लस तो कितना 8u + 3 = 4, कितना 4। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, v = 4/8, ये 1 और ये 2, तो दिस इंप्लाई v = 1/2। ठीक, अब v की वैल्यू जो 1/2 है, पुटिंग इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं या फोर्थ में, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3, तो 3 में पुट किया तो क्या हो गया, ये 4u + 4 1/2 = 3 ये कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो 4u = 3 - 2, तो दिस इंप्लाई 4u = 1, तो u = 1/4। ये v है और ये u वैल्यू है। अब हमें u भी तो फाइंड नहीं करना था, फाइंड तो हम एक्स्ट्रा करना है, तो देन जो पुट किया था वहां पे पहुंच जाते हैं। तो हमने u भी क्या पुट किया था देख लेते हैं, तो जो सपोज किया था भाई वहां पे देखो आप क्या है, नाउ 1/3x + y = u था, तो अब u क्या है 1/4, तो therefore 1/3x + y = 1/4, तो दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, तो 3x + y = 4। अब इक्वेशन 1 2 3 4 तो हो ही गई है, इसको हम नाम 5 दे देते हैं, ठीक। सिमिलरली माइनस वाला जो था 1/3x - y क्या सपोज किया था v, तो ये 1/3x - y = 1/2, तो ये इक्वेशन आके बन गई 3x - y = 2, इसे भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो गई इक्वेशन 6। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व अगेन बाय एलिमिनेशन मेथड, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे आप तो छोटा सा सॉल्यूशन अब बचा है, और ऑलरेडी कोफिशिएंट इसके भी इक्वेट है, y y इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x + y = 4, 3x - y = 2 कैंसिल, 3 3 6x = 6, तो दिस इंप्लाई x = 1। इतना तो कैंसिल करते आना चाहिए, 6 से डिवाइड भी जाएगा तो 6 6 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1। अब x की वैल्यू या तो आप 5 में पुट करो या 6 में, तो लिख देते हैं यहां पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5,
फाइव इक्वेशन, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी 1, तो x भी 1 है y भी 1 है, तो देयर फॉर लास्ट लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, ये आपका फाइनल आंसर है। तो नोट डाउन करिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि भाई इसमें क्वेश्चन दो तीन स्टेप में सॉल्व हो रहे हैं, तो पहले रिड्यूस करना, लीनियर इक्वेशन बनाना, फिर उसे सॉल्व करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में दो तीन बार हमें क्या एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो नोट डाउन करिए आप।